कानपुर के काकादेव थाना क्षेत्र के द्विवेदी हॉस्पिटल में बीते एक सप्ताह से भर्ती ऑर्डिनेंस कर्मचारी गणेश शंकर शुक्ला की मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा काटना शुरू कर दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची काकादेव पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत कराया। मृतक के बेटे विपिन शुक्ला ने बताया कि उनके पिता गणेश शंकर शुक्ला को बीते एक सप्ताह पहले पथरी की शिकायत होने पर द्विवेदी हॉस्पिटल लाया गया था, जिसके बाद डॉक्टर ने ट्यूमर की समस्या बताकर भर्ती कर लिया, जबकि अस्पताल में कोई भी प्रशिक्षित डॉक्टर न होने के कारण मरीज को भर्ती कर लिया और अप्रशिक्षित डॉक्टरों की दम पर अस्पताल को चला रहे हैं। यहां तक कि पूरे अस्पताल में कोई भी सीनियर डॉक्टर नहीं है। यहां आए मरीजों की जान के साथ ट्रेनी डॉक्टर खिलवाड़ कर रहे हैं और मरीजों को कोई इलाज की सुविधा उपलब्ध नहीं कराते। मरीजों के साथ आए परिजनों के इलाज करने की बात कहने पर उनसे अस्पताल स्टाफ अभद्रता करने पे उतारू हो जाता है। वहीं मृतक के बेटे विपिन ने बताया कि पिताजी मेरी आंखों के सामने तड़प रहे थे, मैंने नज से सीनियर डॉक्टर को बुलाने की बात कही तो नज ने गुस्से में आकर साथ इंजेक्शन लगा दिए, जिससे उनकी मौत हो गई। बेटे ने पापा को हमारे 12 में पथरी थी, हम यहाँ द्विवेदी हॉस्पिटल में आए इलाज कराने, उसके बाद इलाज कराने आए तो इन्होंने रिफर कर दिया डॉक्टर विकास सेंगर के यहाँ मेडी हेल्प में। वहाँ से ERCP की जाँच हुई, वहाँ से जांच होने के बाद उनको आईसीयू में ना रख के सीधे यहाँ पे ले आया गया, और यहाँ लाने के बाद यहाँ पे कोई स्टाफ नहीं था और पापा को मेरे रूम में मतलब भेजा गया। और उसके बाद वहाँ गए तो देखे तो पापा मेरे बार बार तड़प रहे थे, मेरे सारे रिलेटिव भी आए थे, सबने देखा।